हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम जा रहे हैं देवकली मंदिर, चलिए चलते हैं। गाइज यार, ये हमारी मेन रोड है। यहाँ से होते हुए अभी हम अपने सफर की तरफ चलेंगे। सराना चौकी पहुँचने वाले हैं जी। सामने हमारे गढ़ी रोड है, इस पे चलेंगे हम लोग। तो दोस्तों, हम लोग SSB केंद्रीय विद्यालय पहुंच चुके हैं। ये आर्मी का हेड ऑफिस भी है, आप लोग देख सकते हैं। और भाई, हम लोग चलते हैं अब देवगली की तरफ। ठीक है, यहाँ से 12 किलोमीटर है। पार्क हो गई है, उतर चुके हैं। तो हम लोग देवकली मंदिर पहुंच चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं, तालाब है। अब हम लोग पंडित जी से मिलेंगे, फिर आपको इस मंदिर की जानकारी आपको मिलेगी। पंडित जी से पूछेंगे और इस पंडित देवकली की खासियत पूछेंगे हम लोग, क्या क्या है खासियत, क्या है इसके बारे में, जो जो पंडित जी बताएंगे उसके बारे में हम लोग पूछेंगे। फ्रेंड्स, ये तालाब है। यहाँ हमेशा हर हमेशा के दिन इसकी सफाई होती है, फिर लोग आते हैं, नहाते हैं यहाँ पर इस तालाब में, फिर यहाँ से पूजा करने जाते हैं। तो अब हम आपको मंदिर का व्यू दिखाएंगे, आइए चलिए। तो दोस्तों यार, यहाँ से मंदिर का एंट्री गेट है, ऊपर चलते हैं हम, आपको शिवलिंग दिखाते हैं यहाँ से। ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स यार, ये हमारी भोले बाबा की शिवलिंग है। यहाँ पे पूजा हो चुकी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मंदिर का व्यू, लोग आते हैं पूजा करने, आप देख सकते हैं।
देखिए गाइस यहाँ लोग पूजा करने आते हैं ना। तो गाइस यहाँ से हम लोग मंदिर को बाहर निकलते हैं। गाइस आप भी यहाँ कभी आइए, इतना अच्छा लगता है यहाँ मंदिर में देवकली। राजा देवक रहा है, उनकी पुत्री के नाम से ना ये तीरथ खुदा है, ये तीरथ है देवकली जी। राजा देवक की पुत्री है और राजा परीक्षित जब सर्फ काटे थे तो राजा जन्मेजय ने सर्फायोग यहाँ करी है। और ये बहुत प्राचीन स्थान है, पांडवा के रह जमाने क्या रहा ये स्थान, इसे पुरानी तीर्थ स्थान नहीं है, सबसे पुराना है, बहुत प्राचीन है, ये सब दही गवाह है। सब देवताओं की कली है यहाँ। बाबा बताया जाता कि कोई मिट्टी से मिट्टी ले लो तो साफ सफाई करी हुई जन्मे जाए, जो मकान में मिट्टी रख दो सर्फ ना रुके मकान के अंदर, उधर कुंड है यहाँ बाबा दिखा सकते खराब है। अब फ्रेंड्स यार बाबा हमें इस कुएं के बारे में बताएंगे, बाबा इस कुएं के बारे में बताओ। कुआ ये है तब है भैया, बहुत प्राचीन है, देखो कुआ का दिखते हो कैसा है। और चलो देखते हैं पास से, पेड़ जाम आए हैं, बहुत पानी का ठंड रहा है, बहुत परेशान कर ऐसा कुआ को कहीं नहीं मिलेगा बाबा कह रहे हैं। पेड़ सब जाम पड़े बेकार जी, उसका पीपल का पेड़ निकला हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वो। तो दोस्तों जैसा कि ये देखिए कुंड है, अब इस कुंड के बारे में थोड़ा बाबा से विस्तार में जानेंगे हम। तो बाबा थोड़ा कुंड के बारे में बता दीजिए। राजा परीक्षित जब सर्फ काटे थे तो जन्मेजय सर्फा एक इसमें करी नहीं, दुनिया की सब सर्फ लिपिट लिपिट इसी में आहुति होता रहा है स्वाहा, एक सर्फ बचा रहा है सो इंद्र जी के सिंहासन में लिपट जा रहा है जी, उसी से न सृष्टि रह गए है या सर्फन के। फ्रेंड्स यार बाबा हमें अभी दो मंत्र बताएंगे जिस घर में सर्फ नहीं आते हैं, तो आप बता दीजिए। ओम शेष नंगाय नमः, ओम अस्तिकाय नमः, ये दो मंत्र पढ़ो सर्फ तुरंत वापस। दोस्तों हम लोग बाबा साहब चंदन लगवाने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बाबा चंदन मनाने जा रहे हैं, काफी बाबा पूजा करते हैं, सभी को लगाते हैं। हमारी टीम भी उनके सहयोग कर रहा है चंदन बनाने में, देख सकते हैं अरमान चंदन बाबा, देख सकते हैं अरमान वर्मा टीम के मेंबर टीम लीडर इसको रगड़ रहे हैं। ये हमारे भैरव बाबा जी का मंदिर है तो यहाँ पे भी हो लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग बाकी मंदिरों की तरफ चल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे दोस्त लोग आगे निकल चुके हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला हूँ तो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो चलते हैं दोस्तों हम लोग।
यहाँ पे लोग आग जलाई है, इसमें मच्छर लोग मच्छर वच्छर ना है, वो देख सकते हैं। यहाँ पे पूजा हो रही है सुबह सुबह, यहाँ पे पूजा हो रही है, देखिए अब गाना बजाना चल रहा है सब। दोस्तों हम लोग शिवधाम पहुँच चुके हैं, आप जैसे देख सकते हैं, चलिए मंदिर में चलते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सभी शिवलिंग बने हुए हैं और ये शंकर जी की यहाँ पे मूर्ति है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मूर्ति है। और यहाँ पे ये कार्तिक मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं कार्तिक भगवान जी को। और ये सूर्य मंदिर है, सूर्य भगवान होते हैं यहाँ पे। और गाइस ये गणेश मंदिर है, ये हमारे गणेश जी हैं, आप देख सकते हैं। ये दुर्गा माता का मंदिर है और ये सारे शिवलिंग हैं यहाँ पे। और ये शंकर जी की हमारी मूर्ति है करीबन 20 फीट की। और ये राधा कृष्ण का मंदिर है और ये माता सीता और राम जी का मंदिर है। और ये सरस्वती मंदिर है और ये सुखदेव जी का मंदिर है। और इधर हम लोग आ जाते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, आप लोग देख सकते हैं हर जगह पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यार ये हमारे परशुराम भगवान का मंदिर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम इस समय परशुराम जी की मूर्ति देख रहे हैं, काफ़ी भव्य है, काफ़ी लंबी है, काफ़ी चौड़ी है, पता नहीं कैसे बनाई गई है, हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन अच्छी बनाई गई है, देख सकते हैं आप। आप देख सकते हैं साइड साइड में, ये कौन लोग थे? दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर कितनी काफ़ी भव्य मूर्ति है, ये करीबन 40 फीट की है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है यहाँ पे। और जिसके बीच में जय श्री राम भी लिखा हुआ है और अंदर का भी खुला नहीं है, वरना हम लोग आपको पूरा व्यू देते हैं। चलिए यहीं तक चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स यार हम लोग अभी कुत्तों को बिस्किट खिला रहे हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग कुत्तों को खिला रहे हैं। भैया कार्ड ना लेना, कुत्तों को बिस्किट खिला रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, का काम कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग आ गए कार के पास, यहाँ पार्क किए थे कार, अब हम लोग चल रहे हैं घर की ओर, फिर घर की ओर मिलेंगे हम लोग सब। तो फ्रेंड्स यार अभी हम चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। हम लोग घर पहुंच चुके हैं और अब यहीं पे हमारा ब्लॉग खत्म होता है। सो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।